हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू द कोडिंग शेफ। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन सर्वर से कैसे कम्युनिकेट करती है विद द हेल्प ऑफ एपीआई। गाइस, अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है जिसमें हमने बताया हुआ है वेब सर्विसेज के बारे में, एपीआई के बारे में, जेसन के बारे में, तो प्लीज आप इस वीडियो को देखने से पहले उन वीडियोस को जाकर एक बार जरूर चेक कीजिए, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गाइज, ये एक कंप्लीट प्लेलिस्ट होने वाली है, इसमें हम स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली चीजों को देखेंगे कि हमारी एप्लीकेशन सर्वर से कैसे कम्युनिकेट करती है। सो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए तो प्लीज चैनल को जाकर सब्सक्राइब कीजिए एंड बराबर में बेल आइकन का ऑप्शन होता है उसे भी गाइज प्रेस कर दीजिए, जिससे गाइज होगा कि जो भी हमारी आने वाली वीडियोज हैं उन सबकी नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच जाएगी। सो बिना देरी के चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, अगर हम बात करते हैं हमारी एप्लीकेशन सर्वर से कैसे कम्युनिकेट करेगी, तो गाइज यहाँ पर हम एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे जिसका नाम है वॉली। तो वॉली एक लाइब्रेरी है थर्ड पार्टी जो कि हेल्प करती है एपीआई को हिट करने में और सर्वर से डेटा को लेकर आने में। तो फटाफट से पहले हम क्या करेंगे, एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे। सो यहाँ पर स्टार्ट ए न्यू प्रोजेक्ट पर जाएंगे, यहाँ पर एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट कर लेंगे एंड यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ पर हम नेम दे देते हैं वॉली लेक्चर वन। ओके, सो यहाँ पर हम फिनिश कर देते हैं। सो गाइज, इतने हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड होता है तो एक बार हम वॉली लाइब्रेरी को देख लेते हैं। सो यहाँ पर हम गूगल पर चलते हैं एंड यहाँ पर हम सिंपली टाइप करते हैं वॉली लाइब्रेरी एंड यहाँ पर एंटर। सो ये जो हमारी फर्स्ट लिंक आती है डेवलपर डॉट एंड्रॉइड की, सो इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पर हमें कंप्लीट पूरी डॉक्यूमेंटेशन मिल जाती है। तो यहाँ पर हम इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड यहाँ पर हमें एक गाइस डिपेंडेंसी मिलेगी, तो हम इसे कॉपी कर लेंगे सिंपली यहाँ से कंट्रोल सी। अब हम देख लेते हैं हमारा प्रोजेक्ट भी बिल्ड हो चुका होगा। यस गाइस, हमारा प्रोजेक्ट भी कंप्लीट बिल्ड हो चुका है। तो यहाँ पर हम चलते हैं अपनी ग्रेडल फाइल में एंड यहाँ पर बिल्ड डॉट ग्रेडल में, दैन यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली इस डिपेंडेंसी को पेस्ट कर देंगे। सो यहाँ पर कंट्रोल वी एंड अब गाइज यहाँ पर ये कह रहा है कि सिंक कीजिए, सो सिंक भी कर देते हैं यहाँ पर। अब गाइज इतने ही डिपेंडेंसी सिंक होती है तो एक बार हम देख लेते हैं एपीआई को कि हम यहाँ पर कौन सी एपीआई का यूज़ करेंगे। सो यहाँ पर हम गूगल पर चलते हैं गाइज। इस वीडियो में मैं आपको एपीआई बनानी नहीं बताऊँगा। सो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे फेक एपीआई या फिर हम कह सकते हैं आर्टिफिशियल एपीआई को, क्या हमारे पास कुछ वेबसाइट्स होती हैं कि जो कि हमें आर्टिफिशियल एपीआई प्रोवाइड करती हैं। तो यहाँ पर जेसन प्लेस होल्डर हम यहाँ पर टाइप करते हैं। ओके, सो ये हमारी पहली लिंक आ रही है, तो हम इसे ओपन कर लेते हैं फेक ऑनलाइन एपीआई। यस गाइस, तो ये यहाँ पर गाइस हमें क्या दे देता है, एक ये यूआरएल दे देता है और हम इसे एक बार कॉपी कर लेते हैं और अपने ब्राउज़र में हिट करके देखते हैं, कंट्रोल वी एंड एंटर। यस ग्रेट, सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे हमने यूआरएल को हिट किया तो ये यूआरएल सर्वर से कम्युनिकेट हुआ एंड सर्वर से उसने हमें ये रिजल्ट लाकर दे दिया जैसन फॉर्मेट में। क्लियर है गाइस? सो अब हम देख लेते हैं कि जो हमारी ये डिपेंडेंसी थी अभी कंप्लीट सिंक हो चुकी है। यस गाइस, हमारी डिपेंडेंसी सिंक हो चुकी है। सबसे पहले गाइस आपको एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि जब भी आपकी एप्लीकेशन किसी सर्वर से कम्युनिकेट करना चाहती है तो आपको अपनी मैनिफेस्ट फाइल में एक परमिशन डिफाइन ज़रूर करनी होगी। सो यहाँ पर मैनिफेस्ट फाइल में हम अपनी एक परमिशन डिफाइन करते हैं जिसे हम कहते हैं इंटरनेट परमिशन। सो यहाँ पर हम कर देते हैं यूजेस परमिशन एंड यहाँ पर इंटरनेट परमिशन। ओके ग्रेट। अब गाइज यहाँ पर मैं आपको स्टार्टिंग में ये परमिशन देने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गाइज होता क्या है कि जो अभी बिगनर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि एप्लीकेशन डेवलप कर लेते हैं कंप्लीट, उसमें कोड सारा कर देते हैं, लेकिन गाइज इंटरनेट परमिशन देना भूल जाते हैं जिसकी वजह से गाइज उसमें एरर्स आती है और वो एरर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। सो आप प्लीज़ जब भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाए सबसे पहले डिपेंडेंसी को अपना सिंक करें, देन उसके बाद यहाँ पर इंटरनेट परमिशन ज़रूर दें, देन उसके बाद आप कोई भी आगे स्टेप कीजिए। सो अब हम यहाँ पर अपनी जो हमारी एग्जामिन फाइल है इसमें सिंपल एक बटन बना लेते हैं फटाफट से कि जिस बटन पर क्लिक कर दे हमारा जो रिजल्ट होगा वो ऐप में शो हो जाए। सो ये जो टेक्स्ट है तो हम इसको टेक्स्ट को ही यहाँ पर बटन कर देते हैं, बटन एंड यहाँ पर ओके। सो यहाँ पर हम कर देते हैं विड को मैच पेरेंट, ओके एंड यहाँ पर हम कर देते हैं टेक्स्ट को चेंज कर देते हैं गेट रिजल्ट, ओके एंड मार्जिन वगैरह हम दे देते हैं यहाँ पर, मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट 50 dp एंड मार्जिन फ्रॉम राइट आल्सो
50 dp। सो गाइस हम चाहते हैं कि जैसे ही इस बटन पर क्लिक हो तो हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन API को हिट करे एंड वो API हमारे सर्वर से कम्युनिकेट करे एंड हमें डेटा ला कर दे दें। क्लियर है गाइस? सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि वॉली की हेल्प से हम अपनी API को हिट कैसे करते हैं एंड रिजल्ट को कैसे हम लाते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।